अपनी ज़बान बंद रखे वरना वरना क्या कर लोगे तुम? क्या कर सकते हो तुम? ये फार्म हाउस जिसका है तुम उसे नहीं जानते और मैं जानती हूँ। उसने तुम्हें हमारी हिफाजत के लिए रखा है। अगर हम दोनों में से किसी को कुछ हो जाता है तो वो तुम्हें जमीन की पताल से ढूंढ कर ले आएगा, समझे तुम? कहाँ है तुम्हारी बेटी? शायद तुम? हाँ, सब कुछ जान चुका हूँ मैं, इसीलिए पूछने आया हूँ। कहाँ है तुम्हारी बेटी? जब तक बेटी थी तो इस पाप के दिल में थी, लेकिन अब दिल में है ना इस घर में। हाँ, मगर दिमाग में है, लेकिन बेटी बनकर नहीं, नफरत बनकर। ये सच तुमने मुझसे क्यों छुपाया फखरुद्दीन? अगर तुम भी मेरी तरह किसी बेटी के बाप होते तो तुम भी ऐसा ही करते। तो क्या फखरुद्दीन इतना ही कमजोर और बेबस है कि उसकी औलाद सरकश हो और वो कुछ ना कर सके? बात कमजोरी या ताकत की नहीं, बात पूरे वक्त की है। शायद आज तुम दोस्त बनकर मुझसे मिलने नहीं आए, बल्कि नवाब खुशबख्त बनकर फखरुद्दीन को शर्मिंदा करने आए हो। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने नहीं आया, सिर्फ ये कहने आया हूँ कि कल तक वो तेरी बेटी थी और अब वो खुशबख्त की होने वाली बहू है। उसके भागने से जितनी रुसवाई तुम्हारी है उतनी मेरी भी है, उसे ढूंढो। ढूंढ रहा हूँ खुशबख्त, ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ना अपनी बेटी समझ कर ना तेरी बहू समझ कर ऐसे ढूंढ रहा हूँ जैसे कोई भी आन अनख वाला बंदा अपनी इज्जत के चोर को ढूंढता है। आज मुझे वो रशीद मिला था। सिकंदर का दोस्त? हाँ हाँ वही। उसने सिकंदर का बताया कुछ? हाँ, कह रहा था कि सिकंदर को ना किसी फार्म हाउस पे बड़ी अच्छी गार्ड की नौकरी मिली है। क्या वो हमारे साथ इस घर में नहीं रहेगा? क्या पता अब उसने क्या सोचा है, आएगा तो बताएगा। तो अम्मा, उसके दोस्त को पैगाम दे दे, जब सिकंदर मिले तो उसको बताए कि हम दोनों उसकी वजह से बहुत परेशान हैं। हाँ, मैंने उसके दोस्त को पैगाम दे दिया है। वो कह रहा था कि मैं 2-4 दिन तक उसके पास जाऊंगा और फिर उसको पैगाम दे दूंगा। अच्छा, अब तू जल्दी करना, इतने आहिस्ता हाथ चलाती है ना, मुझे काम पे भी जाना है, जल्दी कर। आज वो रिश्ते वालों के घर जाना है। खुशबख्त आया था? हाँ। क्या कह रहा था? वही जो उसको बोलना चाहिए था। क्या मतलब? रिफत, जब बेटी गलत कदम उठाती है तो माँ बाप का मान टूटता है। और फिर टूटे हुए मान पर लोग उंगलियां उठाते हैं तो माँ बाप भी टूट जाते हैं। खुशबख्त, हमारी बेटी की गलती पर उठने वाली आवाजों में से पहली आवाज थी। अब देखो और कितनी आवाजें हमारे कानों में पिघला हुआ सीसा डालती है।
क्या कर रहे हैं छोटे सरकार? अपने दोस्त की कब्र पे पानी डाल रहा हूँ ताकि मेरे घोड़े को गर्मी ना लगे। कब्र में गर्मी का एहसास नहीं होता सरकार। क्यों, तू कभी कब्र में रहा? तुझे कैसे पता? अल्लाह रहम करे छोटे सरकार। क्यों, तूने कभी मरना नहीं है? मरना है सरकार, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। अच्छा ठीक है, जब तेरा वक्त आएगा तुझे भी हम यही दफना देंगे। चल काम कर, पानी डाल। चल यहां भी। तुमने पहली गलती अपनी वाइफ को मार कर की थी। और दूसरी गलती माही को जिंदा छोड़कर। कल तुम्हारे जुर्म की गवाह सिर्फ माही थी और आज नताशा भी है। अगर ये सारी बात नताशा ने सरकार को बता दी तो तुम्हारा मुकद्दर फांसी का फंदा है सिकंदर। नहीं, सिकंदर।
और मेरे साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे मार डालेगा। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो कि वो मुझे मार देगा। ये उसने मुझे अपनी तरफ से मार दिए। इसका मतलब है ये सारा वाक्या नवाब साहब को बताना पड़ेगा। नहीं। क्यों नहीं? वो पूछेंगे कि उनका गार्ड मुझे क्यों मारना चाहता है। तो हम उन्हें सब सच सच बता देंगे। तो फिर मैं? तुम क्या? मैं पकड़ी जाऊंगी और अगर मैं पुलिस से बच भी जाऊं तो वो मुझे मेरे घर भेज देंगे और वहां पे मेरे बाबा मुझे जान से मार डालेंगे।